नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। लौट आइए दोस्तों इस संघर्ष की दुनिया में। मैं वापस आ चुका हूं आप सभी के सामने एक शानदार सी क्लास लेकर। और आज के सुबह के बज चुके हैं 7:30, है ना। देखिए, मिक्स क्वेश्चन का जो हम सीरीज चला रहे हैं, इस सीरीज के 11वें पड़ाव पर आज हम खड़े हैं। और आपका साथ, आपका सपोर्ट और आपका प्यार मुझे हर पड़ाव में मिला है, है ना। तो इसी प्रकार से इस छोटे भाई को प्यार, सपोर्ट और स्नेह देते रहिएगा। चलिए अपने इस 11वें पड़ाव को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, आपसे एक ही मेरी गुजारिश है, एक ही मेरी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो हमारी 7:30 बजे वाली क्लास हम जो रेगुलर तौर पर चला रहे हैं, है ना, इसमें आपको इस क्लास की नोटिफिकेशन ना बड़े शिद्दत से मिल सके, इसलिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। देखिए, कल हमने ये क्लास नहीं चलाया था, इसलिए मैंने आपको एक नोटिस भी दिया था, कम्युनिटी में एक पोस्ट किया था कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि ये वाली जो हमारी क्लास है, किसी कारणवश से इसको एक दिन के लिए स्थगित किया गया है ना। तो आप कम्युनिटी को भी चेक करते रहिएगा अगर हमारी क्लास नहीं आ रही है जिस दिन, तो ठीक है ना। देखिएगा इस क्वेश्चन को, और जो भी क्वेश्चन आपके सामने मुंह उठाकर आया तो उस क्वेश्चन को देना है आपको मुंह तोड़ जवाब। देखो मेरे भाई, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी ना वही स्टूडेंट करता है जिसके अंदर जिगर नहीं जिगरा होता है, जो थोड़ा दबंग टाइप का होता है ना। हम जहां खड़े हो जाए लाइन वहीं से शुरू हो जाए, है ना। इस टाइप के जो लड़के होते हैं ना, वही कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं। और आप भी इसी टाइप के हैं, है ना। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, चाहे वो यूपी पीसल का एग्जाम हो, बार्क को हो, एमपी रेडियो ऑपरेटर का हो, एएलपी टेक्नीशियन का हो, है ना, या फिर आईटी एनसीवीटी का हो, सभी एग्जाम में आप धुआं धुआं मचा सकते हैं। बस आप इस क्वेश्चनों को ध्यान से जरूर देखिएगा, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सौर सेल का प्रयोग कहां पर किया जाता है। शिद्दत से आप पढ़िएगा, है ना, बिल्कुल विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िएगा, नोटबुक के साथ पढ़िएगा। पहला ऑप्शन आपके सामने है कि रंग भेद मापक के रूप में, है ना, या फिर प्रकाश नियंत्रक स्विचों में। जैसे कि आपकी एक होती है ना LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, उसी प्रकार से एक होती है LCS, है ना, लाइट कंट्रोलिंग स्विच। सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर बैटरियों के रूप में, जो आपके फोटोन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं, वही कहलाते हैं आपके सौर बैटरी, है ना, सौर ऊर्जा से प्राप्त करने वाले सौर बैटरी। और फिर आपका ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये बिल्कुल करेक्ट है, है ना। तो आपको बिल्कुल सही लग रहा है मेरे भाई, आप बिल्कुल सही सोच पा रहे हैं, है ना, क्योंकि आपको खुद पर कॉन्फिडेंस है। ऑप्शन सारे इसके सही होंगे, है ना, ये सारे ऑप्शन इसके राइट होंगे। हम थोड़ा सा आपको और कुछ डिटेल दिखाना चाहते हैं, है ना। डिटेल देखिए, डिटेल क्या है कि सौर ऊर्जा के आज के टाइम पे जहां जहां भी यूज हो रहा है ना, हर जगह जहां जहां भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो सारी चीज आपके सामने खड़ी है। देखा, पहले क्या है, सबसे पहला है कि प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए सूक्ष्म फोटोमीटरों में, है ना। दूसरा है प्रकाश विद्युत गणित्रों, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंसर, है ना। सेंसर क्या करती है, सेंसर काउंटिंग के लिए भी यूज करते हैं, है ना। अगर उसके सामने से कोई प्रोडक्ट जा रही है ना, तो वहां पर किसी को खड़े रहने की जरूरत नहीं है, ये सेंसर ऑटोमेटिक उसको उस ऑब्जेक्ट को सेंस करेगा और काउंटिंग कर देगा, है ना। तो वहां पर भी हम सौर सेल को यूज करते हैं, ठीक है। यातायात, थर्ड है कि यातायात नियंत्रक संकेतों में, सड़क पर लगी प्रकाश बत्तियों में जो लाइटें लगी होती है ना, नाइट के टाइम पे उसको कोई ऑन करने नहीं जाता, वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाते हैं अपने आप, जिसको हम कहते हैं स्वचालित रूप से ऑन होना। तो सड़क पर लगी प्रकाश बत्तियों के रूप में, स्वचालित दरवाजों में आपने देखा होगा कि रिमोट कंट्रोलिंग आजकल के दरवाजे होते हैं ना, रिमोट कंट्रोलिंग विंडो होती है, ठीक है ना। तो रिमोट कंट्रोलिंग जो कार की गाड़ियां होती है ना, तो सभी में देखिए स्वचालित दरवाजों में सौर सेल लगी होती है, जिसको आप रिमोट से भी कंट्रोल करके ऑन कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ठीक है, वहां पर। नेक्स्ट देखना मेरे भाई, सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए सौर बैटरियों में, सिनेमा घरों में, है ना, फोटोग्राफी में या ध्वनि पुनर्उत्पादन में, जिसको हम कहते हैं वॉइस डबिंग, क्या कहते हैं, वॉइस डबिंग, वहां पर भी यूज करते हैं, है ना। LCS में, प्रकाश कंट्रोलिंग स्विच में, फिर है विभिन्न तारों का माप एवं उनकी चमक की तीव्रता मापने में, है ना, तो यहां भी कर लेते हैं। भट्टियों तथा रासायनिक प्रक्रियाओं के ताप नियंत्रण में भी अग्नि सूचक घंटी, यानी कि इमरजेंसी बेल के रूप में भी इसको हम यूज कर रहे हैं आज के टाइम में, रंग भेदक मापक के रूप में। तो इतने सारे जगहों पर दुनिया, देखिए दुनिया भर में इसका यूज किया जा रहा है आज के टाइम पे, और जहां जहां यूज किया जा रहा है, और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था ना, वो एक ही साथ मैंने आपके सामने खड़ा कर दिया, है ना। बस आप इसको नोट कर
लेना, ठीक है ना। नोटबुक के साथ ही दोस्तों देखना, बेनिफिट आपको होगा, जरूर होगा, है ना। क्योंकि अगर आप देखें, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता यार, आप देख, आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, है ना, और आप कुछ नोट भी नहीं कर पाएंगे। तो टाइम वेस्ट मत करो ना यार, करियर के साथ ना कोई कंप्रोमाइज नहीं, करियर के साथ कोई मजाक नहीं, है ना, करियर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो करियर बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, मजाक के लिए तो पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। तो आप इसको सीरियसली लीजिए, ठीक है ना। अगला क्या है हमारा कि डीसी संट मोटर में फलस्वरूप पूर्ण भार पर इसका गति कितना परसेंट होता है, है ना, 55%, 95%, 90% या 100% होती है। किसी भी मोटर की एफिशिएंसी 55% नहीं हो सकती, 100% नहीं हो सकती, है ना। आइडियल की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। डीसी संट मोटर फलस्वरूप पूर्ण भार पर गति कितना होता है, ये 95% होता है। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया, है ना। एक और बात सुनते जाना मेरे भाई, एक ये जो हमारी डीसी संट मोटर होती है ना, डीसी संट मोटर का जो स्पीड रेगुलेशन होती है, कौन सी रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन होती है, ये स्पीड रेगुलेशन मेरे भाई कैसा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। कैसा होता है, इसका स्पीड रेगुलेशन उत्तम होता है, यानी कि नो लोड से लेकर के फुल लोड के बीच में इसका जो स्पीड का जो हेरा फेरी होता है ना, वो बहुत ही कम होता है। इसीलिए हम इसको स्पीड रेगुलेशन, उत्तम स्पीड रेगुलेशन वाली इसको मोटर कहते हैं। और सबसे पहली बात कि इसमें जो संट फील्ड वाइंडिंग है, कौन सी वाइंडिंग, इसमें जो संट फील्ड वाइंडिंग है ना, ये वाइंडिंग किस किस के समांतर में होती है। पहला तो सप्लाई टर्मिनल, किसके, सप्लाई टर्मिनल के समांतर में होगी, और फिर आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर में होगी, किसके, आर्मेचर वाइंडिंग के समांतर में होगी। और फिर देखिए हम इसको समांतर में क्यों लगाते हैं, ताकि इसमें जो वोल्टेज इसको मिले, है ना, जो वोल्टेज मिले वो कैसा मिले, एक बराबर मिले, एक बराबर इन दोनों वाइंडिंग को वोल्टेज मिले। जितना वोल्टेज देखिए आर्मेचर वाइंडिंग को जाए, उतना ही वोल्टेज फील्ड वाइंडिंग को भी जाए, है ना। लेकिन एक बात याद रखना, इसमें क्या होता है ना कि जो फ्लक्स का मान होता है, वो फ्लक्स कैसी होती है, फ्लक्स इसमें कांस्टेंट होती है ना, नियत होती है। कैसी होगी फ्लक्स, फ्लक्स इसमें नियत होती है, ये बात आप जरूर याद रखना। 95% इसकी एफिशिएंसी होती है, स्पीड रेगुलेशन सबसे उत्तम मानी जाती है, बहुत इसका इस्तेमाल आज के टाइम पे किया जा रहा है। लिफ्ट वगैरह जो है ना, कन्वेयर लिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, किस लिफ्ट की, कन्वेयर लिफ्ट की, जिसमें कोई जैसे कोयला वगैरह जिस कन्वेयर में जाती है ना, वहां पर इस मोटर का यूज बहुत अधिक किया जा रहा है, क्योंकि हमें वहां स्पीड बराबर चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कोई कन्वेयर बेल्ट में कोयला जा रही है, कोयला जा रही है इसका मतलब वो फुल लोड पे है, जैसे ही कोयला जाना बंद हो जाएगी तो वो नो लोड पे हो जाएगी। अगर नो लोड पे स्पीड बहुत अधिक बढ़ गई तो फिर दिक्कत हो सकती है, तो फिर क्या हो सकती है, वो पट्टा टूट सकता है, वो कन्वेयर बेल्ट टूट सकती है, है ना, बहुत से सारे दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है ना। अगला, ट्रांसफार्मर में प्रयोग की जाने वाली लेमिनेटेड कोर में लोहे की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। बिल्कुल दोस्तों, आपके सिलेबस का रीढ़ की हड्डी आपके सामने खड़ी है, बोन्स मैरो जिसको कही जाती है। ट्रांसफार्मर में प्रयोग की जाने वाली लेमिनेटेड कोर में लोहे की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, यानी कि हमें क्या यहां पर बनाना है, हमें यहां पर कोर बनाना है, कोर में हमने क्या मिलाया है, लोहा, आयरन, है ना, और सिलिकन, क्या मिला है, सिलिकन। अब इसके बीच का ना गेम आप समझिए, हमने लोहा में सिलिकन मिलाया है या सिलिकन में लोहा मिलाया है, कमेंट करके बताओ आप, है ना, हमने सिलिकन में लोहा मिलाया है क्या, यस, लोहा में सिलिकन मिला है। अब आप सोचते होंगे कि यार कान को चाहे इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, पकड़ तो कान ही रहे हो, या तरबूजे पे चाकू के छुरी को फेंको या फिर छुरी को तरबूजे पे फेंको, बात तो एक ही है, लेकिन बात एक नहीं है मेरे भाई, बात एक नहीं है। हम लोहा पे मिला रहे हैं सिलिकन, सिलिकन पे लोहा नहीं मिला रहे हैं। लोहा हमारी 97% है, बाकी सिलिकन 3% है। हमने सिलिकन क्यों मिलाया, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है ना मेरे भाई, इस ध्यान से सुनना, इस ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है ना, इसके बीचों बीच क्या है, इसके बीचों बीच क्या है, आप कहेंगे कि यही वाली कोर है, आप क्या कहेंगे, यही वाली यहां पर कोर है।
अगर इसको हम सप्लाई देते हैं V1, तो इसमें क्या मैग्नेटिक फ्लक्स MF जनरेट होगी, क्या जनरेट होगी मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, मैग्नेटिक लाइंस होगी, वो मैग्नेटिक लाइन वो गति करने की रास्ता ढूंढेंगी कि भैया मुझे गति करना है, और गति कैसे करेंगी इसी कोर के माध्यम से, और इसी कोर में आपने दूसरी वाली वाइंडिंग भी लपेट रखा है, यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग से फ्लक्स जो है वो सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगी। और अगर हम ऐसा मटेरियल इसमें लगा दें कि जो इस फ्लक्स को पास ही ना होने दे, है ना, तो क्या ये हमारी उत्तेजित हो पाएगी सेकेंडरी वाइंडिंग, नहीं हो पाएगी ना। इसीलिए हमने क्या किया, सिलिकन मिला दिया। सिलिकन क्या करती है कि एक जो मैग्नेटिक लाइंस होती है ना, उसको आसानी से एक रास्ता दे देती है, है ना, उस मैग्नेटिक लाइंस को गति करने में, फ्लो होने में, अपने अंदर से बहने में इसको एक पारगम्यता प्रदान करती है, एक चालकता प्रदान करती है, है ना। इसीलिए हमने क्या मिला दिया, सिलिकन मिला दिया। हिस्टेरेसिस लॉस भी कम हो जाती है, है ना, बहुत सारे हमें बेनिफिट मिल जाते हैं। आंसर क्या होगा, 97%, है ना, आंसर क्या हो गया, 97% क्या होता है इसका। अब एफिशिएंसी भी इसीलिए होती है इसमें इतना ज़्यादा, है ना, 90-95% इसकी एफिशिएंसी होती है, 95% से अधिक ही होती है, ठीक है ना। अभ्रक संधारित्र का प्रयोग किस वोल्टता के लिए किया जाता है, ठीक है ना, किसका, माइका कैपेसिटर का। फॉर विच वोल्टेज इज द माइका कैपेसिटर यूज्ड, है ना, माइका कैपेसिटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, कितने वोल्टेज के लिए की जाती है, तो ये 50 से लेकर के 100 वोल्ट, कितना, 50 to 100 वोल्ट। लेकिन एक बात याद रखना माय डियर, यहां पर डीसी वोल्टेज की बात करी जा रही है, किस वोल्टेज की, डीसी वोल्टेज की बात करी जा रही है, किसकी, डीसी वोल्टेज की बात करी जा रही है ना। अभ्रक संधारित्र जो है ये कहां पर यूज किया जाता है, तो ये हाई आवृत्ति के लिए, किसके लिए, हाई आवृत्ति वाली सर्किट के लिए, है ना, हाई आवृत्ति सर्किट के लिए यूज की जाती है। अब हाई आवृत्ति इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो नहीं हो सकती, कहाँ होगी, ये होगी आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, कहाँ पर होगी, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, और वो भी डिजिटल टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उसमें भी, एनालॉग टाइप के होते हैं उसमें भी, है ना। तो ये सारी बातें याद रखिएगा, ठीक है ना, ये सारी बातें याद रखिएगा, बिल्कुल अपना जो दिमाग का ढक्कन है ना उसको खोल कर रखिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ना, उसको आप अपने अंदर कैप्चर कर लीजिए, है ना, ऐसा। अब देखिए आपके अंदर, सॉरी, आपके सामने एक और लिस्ट आ रही है, इस लिस्ट को बड़े इत्मीनान से आपको देखना है। ये लिस्ट किसकी है, ये लिस्ट है आपकी कैपेसिटर की, है ना। यदि कागज कैपेसिटर है, जिसको आप पेपर कैपेसिटर कहते हैं, वो डीसी में 200 से लेकर के 1600 वोल्ट तक काम करती है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। फिल्म प्रोपिलिन टाइप का है, वो डीसी में 400 से 1600 वोल्ट तक। जो पॉलिएस्टर टाइप का है, वो डीसी सप्लाई में 100 से 600 वोल्ट तक। पॉलीस्ट्रीन है जो डीसी वोल्टेज डी सप्लाई में 100 से 200 वोल्ट, है ना। पॉली कार्बोनेट जो है 50 से 200 वोल्ट। विद्युत अपघट्य एल्यूमिनियम का अगर बना है, तो वो डीसी सप्लाई में 5 से 500 वोल्ट। इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटालम है, तो वो डीसी सप्लाई में 3 से 125 वोल्ट, है ना। चांदी प्रकार का अभ्रक है, तो डीसी सप्लाई में 50 से लेकर 500 वोल्ट तक। परिवर्तित सिरेमिक है, तो डीसी सप्लाई में 200 वोल्ट तक। फिल्म प्रकार की है, है ना, तो डीसी में 50 वोल्ट तक। एयर टाइप की है, तो डीसी में 50 वोल्ट तक। मोनोलिथिक टाइप का है, तो डीसी में 50 से 200 वोल्ट तक। ये वोल्टेज रेंज आपको याद रखना है, ये वोल्टेज रेंज क्या करना है आपको याद रखना है। अब आप सोचते होंगे कि यार याद कैसे करें हम, है ना, आप यही सोचते होंगे कि याद हम कैसे करें। देखना मेरे भाई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब भी हम बीमार होते हैं ना, तो हम कहां जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। हम क्या सोच के डॉक्टर के पास जाते हैं, कि हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास सही होने के लिए, ठीक होने के लिए, है ना, डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा। तो ये जो आपके अंदर, जो अपने अंदर आप सिग्नल दे रहे हैं ना ठीक होने का, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, ठीक है ना। और जब आप ये सोच के जा रहे हैं कि मैं ठीक होने जा रहा हूं, तो सोचने से ही 50% तो आप सही हो जाते हैं, रास्ते में ही घर से ही सही होके जाते हैं 50%, क्योंकि आपने अपने अंदर इस प्रकार का सिग्नल दे रखा है। और 50% आप डॉक्टर के पास क्या करते हैं, जाकर के ठीक हो जाते हैं। जस्ट इसी प्रकार से ये लिस्ट जो है ना, इसको आप नोट करिए, है ना। अगर शिद्दत से और विश्वास के साथ नोट करेंगे ना, तो नोट करते ही 50% आपको याद हो जाएगी, बाकी के बचे 50% उसको आप खुद याद कर सकते हैं, इतना तो कैपेसिटी आपके अंदर होगी, है ना। यदि मैगर द्वारा 250 वोल्ट डीसी पैदा किया जाता है, तो वह किस मान का इंसुलेशन रेजिस्टेंस माप सकता है। बहुत से डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं, बहुत से क्वेश्चनों के सवाल में क्वेश्चनों के आंसर देने वाला हूं। यदि मैगर है 250 वोल्ट डीसी पैदा कर रही है, तो कितने मान का आईआर रेजिस्टेंस माप सकती है, है ना।
5000 मेगा ओम या 50000 मेगा ओम या फिर 500 मेगा ओम या 50 मेगा ओम, है ना। एक बात तो आपका क्लियर हो गया होगा कि ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमेशा मेगा ओम में होती है, किसमें, मेगा ओम में होती है ना। तो आंसर क्या होगा, 5K मेगा ओम, है ना। यहां पर ये भी लिखा आ सकता है 5K मेगा ओम, कितना, 5K मेगा ओम। अब देखिए ये जो मैगर के अंदर जनरेटर लगी होती है, अगर ये जनरेटर 500 वोल्ट डीसी पैदा करे, कितना, 500 वोल्ट डीसी पैदा करे, तो फिर ये कितना माप सकती है, 1000 मेगा ओम का आईआर रेजिस्टेंस मापेगी, कितना, 1000। अगर यही 1000 वोल्ट डीसी पैदा करे तब ये मापेगी 20000 मेगा ओम, कितना, 20000 मेगा ओम। एक बात और याद रखिएगा, अगर ये 2500 वोल्ट डीसी पैदा करेगी तो फिर 5K से लेकर के 50000 मेगा ओम तक का रेजिस्टेंस माप सकेगी, है ना। वही आपके सामने है, है ना, ऑप्शन नंबर कितना, 50000 मेगा ओम। तो फिर आप ऑप्शन नंबर बी को सही कर सकते हैं, ये भी सही है आपका, है ना, ऑप्शन दोनों सही है, ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। यदि आपका ये मैगर 5000 वोल्ट डीसी पैदा करेगी तो फिर ये 1,00,000 मेगा ओम का रेजिस्टेंस मापेगी, कितना, 1,00,000 मेगा ओम का रेजिस्टेंस मापेगी। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, इसको आप जरूर याद रखिए। दोबारा सुनना, 500 वोल्ट डीसी जनरेट कर रही है मैगर तो 1000 मेगा ओम, 1000 वोल्ट डीसी पैदा कर रही है तो 20000 मेगा ओम, 2500 वोल्ट डीसी में 5K से लेकर 50000 मेगा ओम, और उसी के साथ में 5000 वोल्ट डीसी जनरेट करेगी। देखिए ये ना, जितना हाई मान का आपका, आपको इंसुलेशन का रेजिस्टेंस मापना है उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसको घुमाना पड़ता है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये पैदा कर, उसी के अकॉर्डिंग मतलब सिलेक्ट की जाती है। बहुत से टाइप्स के होते हैं आपके मैगर, है ना, हर मैगर की कैपेसिटी अलग होती है, जैसे कि यही कैपेसिटी ही मैं आपको लिखा रहा हूं, है ना, और बाकी कुछ नहीं है। दिक् परिवर्तक मोटर का ऊर्जा मापी किस प्रकार का यंत्र है, ये किस टाइप का यंत्र है, रिपल्सन टाइप का, है ना, इंटीग्रेशन टाइप का, अट्रैक्शन या रिकॉर्डिंग टाइप की। देखिए रिकॉर्डिंग टाइप तो हो नहीं सकती, क्योंकि रिकॉर्डिंग टाइप का क्या हो सकता है, रिकॉर्डिंग टाइप का आपका एमीटर हो सकती है, क्या हो सकती है, एमीटर हो सकती है, वोल्ट मीटर भी हो सकती है, है ना, एमीटर, एमीटर वोल्ट मीटर। ये क्या होगा, इंटीग्रेटिंग। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए बाइक तो हर कोई चलाता होगा, है ना, और जैसे कि आपने एक न्यू बाइक खरीदी, जब आप न्यू बाइक खरीदते हैं एजेंसी से तो उसमें जो एक ओडोमीटर लगी होती है ना, जिसको हम स्पीडोमीटर भी कहते हैं, उसमें 0 किलोमीटर शो हो रही होती है, कितना, उसमें 0 किलोमीटर शो हो रही होती है, है ना। लेकिन जब उसको आप चलाते हैं, मान लीजिए कि आपने एजेंसी से लाया और रगड़ दिया 50 किलोमीटर तक, है ना, आप 50 किलोमीटर तक दूरी तय कर लिए, तो ओडोमीटर अब कितना पड़ेगी उसको, 50 किलोमीटर, है ना। फिर आपने गड्डी को धोया, आपने ले आया घर पे, आराम से उसको रख दिया, है ना, सजा के। फिर क्या हुआ कि गाड़ी को आपने स्विच ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, चाबी वाबी निकाल लिया, अगले दिन आपने फिर गाड़ी को स्विच ऑन किया, चाबी लगाया, गाड़ी ऑन हो गई। अब जब आप स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको जो रीडिंग मिलेगी ना, वो 50 किलोमीटर से ही मिलेगी, ना कि वो 0 किलोमीटर से। यानी कि आप गाड़ी बंद कर देंगे ना, तो भी ये किलोमीटर जीरो पे नहीं आएगी, वो कितने पे आएगी, वो 50 किलोमीटर पे ही आएगी, है ना। यानी कि कहने का मतलब कि वो इंटीग्रेशन टाइप का ऑडोमीटर होता है, इंटीग्रेशन टाइप का स्पीडोमीटर होती है, जहां से खत्म होती है ना शुरू, वहीं से होती है, ये याद रखिएगा। और एक इसका एक और बेस्ट एग्जाम्पल है आपका, इसका और एक बेस्ट एग्जाम्पल है किलोवाट हावर मीटर, ठीक है ना। किलोवाट हावर मीटर में भी आप देखते होंगे कि इसी प्रकार की रीडिंग जो होती है, एक बार मीटर में रीडिंग जो हो गई ना स्टार्ट, तो उतने पे ही उसी से वो आगे बढ़ती है। और ये जो आपकी ऊर्जा मापी प्रकार का दिक् परिवर्तक मोटर प्रकार का ऊर्जा मापी है ना, ये डीसी मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके ये प्रिंसिपल पर काम करती है, ये डीसी मोटर के प्रिंसिपल पर काम करती है ना, डीसी मोटर के प्रिंसिपल पर ये काम करती है। और इसमें ध्यान रखना, इसमें क्वाइल के बारे में कई दफा क्वेश्चन पूछा है, इसमें 2 करंट क्वाइल होते हैं। कितने करंट क्वाइल होंगे, 2 CC लगे होते हैं, इसमें PC नहीं लगी होती है, इसमें PC नहीं लगी होती है। और क्या कहते हैं कि इसमें देखिए जो आपकी रीडिंग देती है ना, वो किलो वाट हावर में रीडिंग मिलती है। किसमें रीडिंग मिलेगी, किलो वाट हावर में रीडिंग मिलेगी। और इसमें कितने क्वाइल होते हैं, 2 करंट क्वाइल होती है। और मोटर डीसी मोटर के प्रिंसिपल
पर ये काम करती है ना। ये तीनों चीजें याद रखिएगा। एग्जाम में दोस्तों कोई भी क्वेश्चन मुंह उठा के आ सकती है, इसलिए आपको हर एंगल से, हर तरीके से, हर सिस्टम से और हर प्रकार से आपको अपने आप को तैयार करना है ना। देखना यार, जब कोई भी इंसान, जब कोई भी रणभूमि में उतरता है ना, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो शिक्षा ले सके, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो नई चीजें सीख सके, उसको सीख करके रणभूमि में कदम रखना होता है ना। तो आपका एग्जाम आपके लिए रणभूमि से कम नहीं है, है ना। आप पूरी तरह से तैयार होकर के आपको जाना है ना। देखिएगा, क्वेश्चन है हमारी कि तीन कली इंडक्शन मोटर के रोटर प्रतिरोध नियंत्रण विधि द्वारा किस प्रकार की दक्षता प्राप्त होती है ना। निम्न, उच्च, अति उच्च या शून्य। मैं कह रहा हूं कि निम्न। कैसे निम्न होगा, मैं इसको प्रूफ करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। क्या कह रहा है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, रोटर प्रतिरोध नियंत्रण, यानी कि इसके स्पीड को हम कैसे कर रहे हैं, रोटर में रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। रोटर का रेजिस्टेंस जो होता है, इसको आर डैश टू से रिप्रेजेंट की जाती है। आर डैश टू को हमने क्या किया मेरे भाई, हमने बढ़ा दिया। बढ़ाने से क्या होगा, इसका जो आई स्क्वायर गुड़े आर डैश टू, आई स्क्वायर बटे आर डैश टू, ये क्या है, ये रोटर कॉपर लॉस है। ये क्या है, रोटर कॉपर हानि है। ये रोटर कॉपर हानि क्या हो जाएगी, ये रोटर कॉपर हानि भी बढ़ जाएगी। क्या होगी, ये बढ़ जाएगी, है ना। बढ़ने से क्या होगा, इसकी जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और आंसर भी मैंने यही दिया था। दोबारा सुनना, रोटर में हमने रेजिस्टेंस लगा दिया है स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, अपने काबू में लाने के लिए। तो हमने आर टू का, आर डैश टू क्या है, रोटर का रेजिस्टेंस है, इसको हमने बढ़ा दिया। बढ़ाने से रोटर वाइंडिंग में क्या हो जाएगा, लॉस हीट रेट होने लगेगी, जिससे कॉपर हानि होगा। कॉपर हानि तापमान के रूप में होगी, जिससे डायरेक्ट इसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। बस आप इतना सा याद रखो, बस आप इतना सा ही याद रखो, आंसर क्या हो जाएगा, निम्न इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो एफिशिएंसी डाउन हो जाती है, लेकिन हमारा मकसद यहां पर एफिशिएंसी को लेकर के नहीं है, मकसद हमारा यहां स्पीड को कंट्रोल करने के लिए है ना। शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में किस प्रकार की आउटपुट पावर प्राप्त होती है, इसमें देखिए जीरो होती है। कैसी होगी, जीरो होगी, है ना। देखना, शुद्ध इंडक्ट, देखना जो शुद्ध इंडक्टिव सर्किट है दोस्तों, शुद्ध इंडक्टिव सर्किट कुछ नहीं होता है ना, कुछ नहीं होता है। शुद्ध इंडक्टिव सर्किट, ऐसा कोई सर्किट बना ही नहीं जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, है ना। और हम ऐसा मानते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए हम इसको पढ़ पाते हैं कि शुद्ध इंडक्टिव सर्किट है। और जब शुद्ध इंडक्टिव सर्किट है, तो इसमें पावर ड्रॉप होता ही नहीं है, पावर ड्रॉप होगा नहीं, क्योंकि पावर ड्रॉप कराने वाली जो कंपोनेंट है रेजिस्टेंस, वो होता ही नहीं है। हम ऐसा मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, हमें इग्नोर करना पड़ता है, तब हम मान पाते हैं इसको, है ना। और देखिए, जो इंडक्टेंस होता है ना, ये ओनली कहां पाया जाएगा, ये हमेशा एसी सप्लाई में पाई जाती है, डीसी में नहीं पाई जाती। लेकिन एक बात याद रखना, डीसी में ये पाई जाती है। कैसे, जब हाई वोल्टेज की डीसी होगी ना, उस डीसी को जब आप स्विच ऑन करेंगे या फिर स्विच ऑफ करेंगे ना, तो इंडक्टेंस का गुण थोड़ा सा आपको दिखेगा, स्पार्किंग, है ना। अब आप कहेंगे कि हाई वोल्टेज के कारण स्पार्किंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं यही मैटर कर रहा है। अगर स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर रहे हैं डीसी पावर सप्लाई को, तो वहां पर स्पार्किंग हो रही है, इसका मतलब इंडक्टेंस है ना। बिना इंडक्टेंस का स्पार्किंग नहीं हो सकती। और जो आपकी एसी सप्लाई है, उसमें तो इंडक्टेंस हमेशा काम करती है, क्योंकि एसी सप्लाई का जो वेव है, चलने का जो स्टाइल है, वो बिल्कुल यू 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 इस तरीके से चलती है ना। जब वो यू 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 चलती है, तो वो बिल्कुल अपने टाइम को, हर सेकेंड, हर पल, हर क्षण वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही है। और जैसे ही डायरेक्शन को चेंज कर रही है, इसका मतलब ऑन ऑफ हो रही है ना, एक बार पॉजिटिव, एक बार निगेटिव। तो ऑन ऑफ के रूप में ये स्पार्किंग होने लगती है। तो एसी में हमेशा होती है, डीसी में स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के दरमियान होती है ना। तो ये भी आपको देखना यार, ये जो कंटेंट है ना, ये ढूंढने ढाड़ने में बहुत टाइम लगता है, और बहुत मतलब कि स्ट्रगल इसके पीछे का है ना, इसके पीछे की कहानी बहुत बड़ी है। तो वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो यार, मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। बिल्कुल, जो लोग नीमी टेक्निकल को दिल से लाइक करते हैं ना, दिल से प्यार करते हैं, उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हर क्लास को शेयर भी करते हैं, है ना, लाइक भी करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये दिल से दिल तक की क्लास है ना। आप इसको दिल से लाइक कीजिएगा, दिल से शेयर करिएगा। एक फेराड आवेश किस मान के बराबर होती है, तो ये देखना, ये होती है एक कूलाम प्रति वोल्ट। अब आप कहेंगे कि सर जी, थोड़ा सा एक्सप्लेनवा कर दीजिए, तो हमको आसानी हो जाएगी समझने में। C बराबर Q बटा V, क्या होती है C बराबर Q बटा V। C क्या है, ये है मेरे भाई धारिता, ये क्या है आपकी धारिता, जो किस में होती है, जो होगी आपकी फैराड में, किस में,
फैराड में। वी क्या है, ये है विभव, क्या है विभव, विभव किस में होगी, ये होगी वोल्ट में। सी क्या है, आवेश है, ये क्या है आवेश है, चार्ज है, जो किस में होगी, जो होगी आपकी कूलाम में, है ना। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, आई इंटू टी भी लिख सकते हैं, यानी कि सी बराबर आई इंटू टी बटा वी भी लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, फैराड बराबर कूलाम प्रति वोल्ट हो गया ना, कूलाम प्रति वोल्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी है ना, बी है ना, हाँ, एक कूलाम प्रति वोल्ट यही होता है आपका, ये एक फैराड आवेश का मान, ठीक है ना। नारंगी पट्टी संधारित्र की सहनशीलता कितनी होती है, अभी तक आपने रजिस्टर के बारे में पढ़ा था उसकी सहनशीलता, अब आप पढ़ेंगे कैपेसिटर की सहनशीलता, ये होती है प्लस माइनस 20%, है ना। अब 1% किसका होता है, ये ग्रे कलर का होता है, किसका, अगर आपका कैपेसिटर भूरा रंग का है ना, तो उसका प्लस माइनस 1% सहनशीलता होगी। अब सुनना, सहनशीलता कहते किसको है ना, जैसे कि आपकी कैपेसिटी है कि आपके कंधों पे 50 केजी का वजन डाल दिया जाए तो उसको आप आराम से लेकर के चल सकते हैं, है ना। लेकिन अगर बाय द वे 5 केजी बढ़ा करके 55 केजी का लोड आपके ऊपर डाल दिया जाए तो भी आप लेकर के चल सकते हैं, यार इतना कैपेसिटी तो आपके अंदर है ना, है ना, इतना कैपेसिटी तो होना चाहिए। तो 55 केजी मतलब 5 केजी बढ़ा करके आप लोड डाल दे रहे हैं, हम डाल रहे हैं फिर भी आप लेकर के चल रहे हैं, है ना। लेकिन अगर उससे ज़्यादा डालेंगे ना तो फिर ओवरलोड हो जाएंगे, आप स्टार्टर लगाना पड़ेगा ओवरलोड से सुरक्षा के लिए, है ना। तो क्या होगा एक्चुअल में कि हम जो हम 5 केजी बढ़ाकर डाल रहे हैं ना, वो आपकी कैपेसिटी है, वो आपकी सहनशीलता है। 5 केजी हम बढ़ा के भी डाल सकते हैं, 5 केजी हम घटा के भी डाल सकते हैं, नो डाउट, नो प्रॉब्लम, आप लेकर के चल सकते हैं। जो 5 केजी का हेरा फेरी हो रहा है ना, वही क्या है आपका, वो आपकी सहनशीलता है, आप सहन कर सकते हैं ना। एडमिटेंस किस वैद्युत राशि का व्युत्क्रम होता है, तो ये होता है आपका इम्पीडेंस का, किसका होगा, इम्पीडेंस का। और देखना, जो आपकी इम्पीडेंस है ना, इसको हम जेड से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, जेड से, और इसको एडमिटेंस को, सॉरी एडमिटेंस को, किसको, एडमिटेंस को किससे लिखते हैं, तो इसको हम वाई से लिखते हैं, है ना, इसको हम y से लिखते हैं। और देखिए ये क्या होता है, इसको, इसका जो मात्रक होता है ना, वो उल्टा ओम का उल्टा होता है, महो, क्या होगा, महो, है ना, इस टाइप का उल्टा होगा, महो, ठीक है। और इंपीडेंस किसको कहते हैं, देखना, जैसे कोई सर्किट है ना, इसमें इंडक्टर भी लगी है, कैपेसिटर भी लगी है, एक प्रतिरोध भी लगी है, है ना, और दुनिया भर की चीज़ें लगी हैं, और आप यहाँ से इसको क्या दे दिए, इसको यहाँ से आपने सप्लाई अप्लाई कर दिया, ठीक है ना, यहाँ से आपने क्या अप्लाई किया, सप्लाई कर दिया अप्लाई। अब इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, है ना। इन सभी का रेजिस्टेंस को हम एक साथ कैलकुलेट कर दें, जोड़ दें, और जोड़ने के बाद जो हमें लास्ट में रेजिस्टेंस मिले, टोटल रेजिस्टेंस ना, अगर कोई कहे कि उसका एक नाम दीजिए, तो हम क्या नाम देंगे, इम्पीडेंस नाम देंगे, क्या नाम देंगे, इम्पीडेंस। यही होता है इम्पीडेंस। रिएक्टेंस का जस्ट उल्टा होता है ससेप्टेंस, है ना। और कंडक्टेंस किसका उल्टा है, ये आप खुद बताएंगे, ये आप खुद कॉमेंट करके बताएंगे कि कंडक्टेंस जो होता है ये किसका होता है उल्टा, ठीक है। विद्युत सामग्री का आधार किस पदार्थ का बना होता है, ये देखिए विट्रीफाइड सिरेमिक पदार्थ का होता है ना, लेकिन ये बैकेलाइट का भी होता है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों, है ना, विट्रीफाइड सिरेमिक पदार्थ और बैकेलाइट। देखना दोस्तों, जो वायरिंग के वायरिंग एसेसरीज होते हैं सॉरी जो वायरिंग एसेसरीज होते हैं, आपने देखा होगा कि ज़्यादातर स्विच होते हैं, सॉकेट होते हैं, बोर्ड वगैरह, ये सब बैकेलाइट के बने होते हैं ना। और जैसे कुकर होता है, कुकर का जो हैंडल होता है, हैंडल में एक इंसुलेशन लगी होती है ना, यानी कि बात जहाँ इंसुलेशन की आए ना, वो भी वायरिंग के रिलेटेड, तो फिर बैकेलाइट ही सबसे ज़्यादा काम में लिया जाता है, है ना। और विट्रीफाइड जो होता है ना, ये भी बैकेलाइट का ही एक रूप है, विट्रीफाइड जो है ये बैकेलाइट के जैसे ही काम करते हैं, ये भी एक इंसुलेशन है। नाइफ स्विच का प्रयोग किस करंट क्षमता के लिए आप करते हैं, तो ये 1200, कितना, 1200 एम्पियर से अधिक क्षमता के लिए। लेकिन वोल्टेज पूछे तो सिंगल फेज का वोल्टेज 250 वोल्ट तक, या उससे थोड़े बहुत अधिक वोल्ट तक ये काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा ये नहीं करती, है ना। अगला है ना, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारी, इतना ही है बस, क्वेश्चन तो इतना ही है ना, हाँ सारे क्वेश्चन हो गए, सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। देखिए अब दोस्तों, इस क्वेश्चन का, जितने भी इस क्लास में क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, उन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको मिलेगा जब आप नीमी टेक्निकल क्लासेस नाम से, जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को जब आप ज्वाइन करेंगे, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप
ज्वाइन जरूर कीजिएगा, है ना। हर क्लास का जितने भी हम क्लास लेंगे उन सभी क्लास का आपको पीडीएफ बड़े ही शिद्दत से मिल जाएगा, और जैसे ही क्लास अपलोड होती है यूट्यूब पर वैसे ही आपको मिल जाएगा उसका पीडीएफ, है ना, ई नोट्स जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। कंटेंट कैसा लगा ये कॉमेंट करके आपको बताना है, वीडियो को शेयर करना है ना। आपने इस वीडियो को देखा, अब बारी है वीडियो को शेयर करने की, दूसरे लोगों तक इसको पहुंचाने की, तो जरूर पहुंचाइएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं दोस्तों एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय श्री राम, राम राम, थैंक यू, ओके।